दोस्तों, मेरे साथ तो मोए मोए हो गया। इस वीडियो में एक आपसे एक अच्छी बात शेयर करूंगी और एक दुख वाली बात शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरे व्लॉग्स देख रहे होंगे। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, एक न्यू वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। अच्छा जी, मैंने रखा था रोज़ा जनवरी में ही, और ये उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें बनाई अपने लिए, और मैंने कहा चलो इसका व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो मैंने ले लिए सबसे पहले बॉयल आलू, और उसमें मैंने उनको मैश कर लिया। उसमें सॉल्ट ऐड किया मैंने, ब्लैक पेपर ऐड किया, टर्मरिक पाउडर ऐड किया और रेड चिली पाउडर ऐड किया, और साथ में ज़ीरा भी ऐड किया, क्यूमिन सीड्स। और पता नहीं रोज़े में मेरी क्या मत मारी गई थी, मैंने 3 टेबल स्पून सॉल्ट के ऐड कर लिए थे, जो कि मुझे सैंडविचेस खाने के बाद रियलाइज़ हुआ। अच्छा जी, तो हम इस सारी फिलिंग को कर लेंगे मिक्स, और इसमें से ग्रीन चिली ऐड करेंगे। मैंने आपको दिखाई दो थी, बट मैंने ऐड सिर्फ 1 ग्रीन चिली की थी, बिकॉज इसमें ब्लैक पेपर सॉल्ट ज़्यादा ऑलरेडी ऐड हो चुका था। तो मैंने हरी मिर्ची सिर्फ 1 ही डाली, और ब्रेड स्लाइसिस के ब्राउन एजेस मैंने रिमूव नहीं किए, दैट यू कैन सी राइट नाउ। मेरे साथ मोए मोए वाला ये ब्लंडर्स होने। अच्छा दोस्तों, मेरे साथ बहुत बुरी ट्रेजेडी हुई है। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना, ये इतनी मेहनतों से आप तक पहुंची है ना, आप सोच भी नहीं सकते। कैन यू बिलीव, ये वीडियो जब मैंने अपलोड की, 4 बार यूट्यूब पे मैंने अपलोड की, और इस पर 4 बार कॉपीराइट क्लेम आ चुका था। और मनहूस ये एक इन शॉर्ट से मैंने म्यूज़िक ऐड किया था, और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस म्यूज़िक की वजह से आ रहा है। और मैं हैरान, मेरी वीडियो, मेरा कॉन्टेंट और कॉपीराइट क्लेम क्यों आ रहा है, जो आज तक कभी नहीं आया। तो फिर क्या हुआ? और तो और सुने, जो एक्सपोर्टेड वीडियो थी उसमें कॉपीराइट क्लेम था, और जो ओरिजिनल वीडियो थी मेरी वॉइस ओवर वाली, वो मैं डिलीट कर चुकी थी फ़ोन में स्टोरेज स्पेस ना होने की वजह से। तो बस फिर इतनी दुखी स्टोरी थी मेरी। अब आप लोग मुझे, जो मैंने मेहनत की है वीडियो बनाने में और आप लोगों तक पहुंचाने में, आप लोग यही कंसीडर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गाइस, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, एडिट करना, अपलोड करके आप लोगों तक पहुँचाना इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। कैन यू बिलीव, मैंने मंडे को रोज़ा रखा था, और ट्यूसडे को मैंने वीलॉग अपलोड किया, कॉपीराइट क्लेम, वेडनेसडे को किया कॉपीराइट क्लेम, फिर थर्सडे को फिर दिल ख़राब हो गया, और आज फ्राइडे को दोबारा से फिर से नया वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो को साइलेंट कर, और शायद अब उम्मीद करती हूँ आप लोगों तक ये बिल्कुल सही फॉर्म में पहुँचे। सैंडविचेस बना के मैंने फ्रिज में रख दिए। नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेप, विच इज़ फ्रूट्स। तो मैंने फ्रूट्स कटिंग करनी थी, एक प्लेटर रेडी करना था, उसके लिए मैंने ऑरेंज ले लिया, गावा ले लिया और पपाया ले लिया। आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ, बट मुझे फ्रूट प्लेटर मैं बहुत अच्छा रेडी करती हूँ। इफ़ यू हैव फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम, यू विल सी मैं कितना अच्छा फ्रूट बना के डेकोरेट करके रखती हूँ, और ये नेचुरल टैलेंट मेरे अंदर हमेशा से है। यू जस्ट वॉचिंग, कीप वॉचिंग। अच्छा गाइस, काम तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन अगर आप कोई चीज़ अच्छे से सर्व कर दें, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अट्रैक्टिव फॉर्म में कर दें, दिल से करेंगे चीज़, तो डेफिनेटली वो चीज़ अच्छी होती है, तो वो थोड़ी ना अपीलिंग लगती है, और खाने में अपना इंसान का खुद का दिल भी खुश होता है। ओके गाइस, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू इन माय प्रीवियस व्लॉग, कि आप अपनी डेली रूटीन में, अपने डाइट प्लान में यू मस्ट ऐड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो आप कोई सब फ्रूट्स ले लें, जो भी सीजनल फ्रूट्स हों, तो यू मेक श्योर उसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप अपना एक प्लेटर बना के रेडी कर लें, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भी फ्रूट हो, सीजनल हो, बस आप खाएँ ज़रूर फ्रूट। तो मैंने यहाँ पर पपाया, गावा और ऑरेंजेस ले लिया है, और अब मैं इसको करूँगी डेकोरेट। एक अच्छी बात मैंने पढ़ी कुरान पाक में, सो आई थॉट मैं आपसे शेयर करूं। तर्जुमा है, और जो किसी बात का इरादा पक्का कर लो तो फिर अल्लाह पर ही भरोसा करो, बेशक तवक्कल वाले अल्लाह को प्यारे हैं, और अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कौन है जो तुम पे गालिब आए, और अगर अल्लाह ही तुम्हें छोड़ दे तो फिर ऐसा कौन है जो तुम्हारी मदद करे। और मुसलमानों के लिए यही है कि वो अल्लाह पर भरोसा करें। सुबहान अल्लाह, सूरह आले इमरान में 4वें सुपारे में ये तर्जुमा था, और ये चीज़ जब मैंने पढ़ी मेरे दिल को ऐसे हिट की, और मुझे फील हुआ लाइक वाकई अल्लाह इज़ हेयर एंड अल्लाह इज़ वॉचिंग अस। अल्लाह ताला इंसान को, अपने बंदे को हमेशा संभाल लेता है। सो द मैसेज हेयर इज़,
ऑलवेज रीड द कुरान पाक विद दिस तर्जमा, ताकि हम मैसेज जो अल्लाह का है उसको बेहतर तौर पे समझ पाएं। अच्छा जी, तो बातों बातों में मेरा फ्रूट्स कट चुका है और मैं इसको सर्व कर रही हूँ। सब ऑरेंजेस को मैंने साइड बाउंड्री पर सेट किया है, पपाया को सेंटर ऑफ द प्लेट में, और यहाँ पे एक बाउंड्री बनाऊँगी मैं इनके सेंटर में गावा की, और फिर मैं इसको रख दूँगी रेफ्रिजरेटर में टू लेट इट कूल डाउन, ताकि मैं अफ्तारी में अपना अच्छे से रोज़ा में ठंडा फ्रूट इन्जॉय कर सकूँ। ओके जी, फिर ये आ गया ड्रिंक वाला टाइम, और ये हमारी बहन ने बनाया था पपाया शेक, मैंने तो नहीं बनाया था। और ये मैं क्या कर रही हूँ, उसको गिरा रही थी मैं। इसके बाद जी मैं अपना लास्ट थर्ड आइटम मैक्रोनीस पर आ गई। मैंने मैक्रोनीस को एक बर्तन में बॉईल किया पानी को, उसमें मैक्रोनीस डाल दिए, साथ में उसके मैंने चिकन पीस भी ऐड कर दिया, सॉल्ट और ऑयल भी, और ये सब डाल के मैंने मैक्रोनीस को बॉईल होने रख दिया। मैक्रोनीज एंड चिकन मेरे बॉयल हो गए, उसके बाद आई हैव टेकन 4 पोर्शन ऑफ शिमला मिर्च, गाजर, मटर और चिकन, सब इक्वल पोर्शंस में लिया, क्योंकि मुझे एक प्लेट मैक्रोनी बनानी थी, तो मैंने इसको बस थोड़ा थोड़ा ही हैंडफुल अमाउंट में लिया। और फिर जी इसको मैंने एक डेगची में मैंने ऑयल डाल के रख दिया, और उसमें मैंने तीनों सब्ज़ियाँ फ्राई होने के लिए रख दी। और एक और चीज़ बताऊँ, मटर बहुत डीट होते हैं, गलते हैं नहीं, तो मैंने इसमें थोड़ा पानी भी डाल के इसको ऐड किया था, और इतने में मेरे सैंडविचेस बन के रेडी हो गए थे। ये देखें जी, गर्मा गर्म सैंडविचेस बन के रेडी हो गए हैं, शेक भी रेडी और साथ में फ्रूट स्प्लैटर भी रेडी, साथ में अजान हो गई और मैक्रोनीस पड़े हुए थे अब तक चूल्हे पर, और वो रेडी हुए नहीं थे, तो मैंने फटाफट सैंडविच लिया और रोज़ा अपना इफ्तार किया। ये देख लें दोस्तों, अक्सर ऐसा रमज़ानों में भी होता है कि कुछ चीज़ें ऑन द प्रोसेस चूल्हे पे पड़ी होती हैं, और जी रोज़े का सायरन बन जाता है, और फिर खड़े खड़े रोज़ा इफ्तार कर रहे होते हैं, हम लोग खा भी रहे होते हैं, बना भी रहे होते हैं। चिकन ऐड करने के बाद आई एडेड काली मिर्च, इसमें मैंने ऐड की, और कुछ पेपरिका पाउडर ऐड किया थोड़ा सा, और सॉल्ट ऐड कर लिया। ये तीनों स्पाइसेस डाल के मैंने इसको चिकन को वेजिस के साथ थोड़ा फ्राई किया, ताकि चिकन की जो भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। बस जी आखिर में मैक्रोनीज डाली, और हमने कहा इनको अंजाम पिलाएं और सॉसेस डालें। मैंने सिरका ऐड किया इसमें और सॉस डाली, ये पहली वाली सॉस तो ख़त्म हुई पड़ी थी, फिर मैंने बाद में दूसरी वाली सॉस ऐड की, और ये बैक पार्लर की सॉस थी, और जैसे ये मैंने डाली है मैक्रोनीस कलर्स जस्ट चेंजेस, तो ये बहुत अच्छी है। आई वुड रेकमेंड, अगर सॉसेस यूज़ करनी है तो आप बैक पार्लर की ही यूज़ कर। हाँ जी, तो हमारे बहुत स्पाइसी मैक्रोनीस बनाए थे मैंने, थोड़े से बने थे एक प्लेट में, बट बहुत स्पाइसी बने थे। मुझे नहीं याद इतने स्पाइसी मैंने लास्ट टाइम कब बनाए थे, जबकि मुझसे इतने स्पाइसी मैक्रोनीस बनते नहीं हैं, बट मुझे अच्छे लगे थे कि ये आइटम बड़ा मज़े का बना था। हाँ जी, तो रोज़ा रखा था जो मैंने, रोज़ा बहुत अच्छा गुजर गया, छोटा सा दिन था सर्दियों का, और ज़्यादा प्यास भी नहीं लगी, भूख भी नहीं लगी, और ये मेरा टेबल था, ये चीज़ें मैंने बनाई थी, सैंडविचेस, फ्रूट स्प्लैटर ऐड किया था और मैक्रोनीस बनाए थे और शेक। ये देखें मैक्रोनीस से गर्मा गर्म धुएँ उठते हुए, सो यमी। अच्छा, फिर रोज़े में इफ्तार के टाइम तो इतना खाया नहीं जाता, जो भी चीज़ें होती हैं वैसी ही बच जाती हैं और पेट में जगह ही नहीं होती, तो मैंने बोला बाद में इसे इन्जॉय करूँगी, तो मैंने रात में फिर बैठ के अपने ये मैक्रोनीज इन्जॉय किए ब्लैंकेट में बैठ के गर्मा गर्म। अच्छा जी, तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो मैंने हर चीज़ में से थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले लिया, और मैंने कहा चलो ये भी थोड़ा दे आएँ अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों के भी हकूक होते हैं थोड़े। तो कैसा लगा आपको मेरा सर्दियों के रोज़े का वीलॉग? इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू हिट द लाइक बटन, गिव मी योर फीडबैक,
और अगर मज़ीद देखना चाहते हैं ऐसी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।